बनाने के लिए। शमा खाना खा लो, हमें भूख नहीं है। बिंदु तुम खाना ले जाओ, हमें भूख नहीं। शमा प्लीज खाना खा लो, मैं तुम्हें भूखे नहीं सोने दूंगा। हम सच कह रहे हैं ऋषि, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम दादा जान को खाना खिला दो। ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत उदास थे। शमा मैं दादाजी के पास से ही आ रहा हूं और उन्हें खाना खिलाकर आ रहा हूं। हाँ शमा, घर का मेहमान अगर भूखा रह जाए तो इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती। और तुम और दादाजी अगर भूखे रह गए तो भला हम लोग कैसे खाना खा सकते हैं? नहीं ऋषि, वाकई में हमें भूख नहीं है। शमा कभी दूसरे का दिल रखने के लिए भी अगर भूख ना हो तो खा लेना चाहिए। प्लीज शमा प्लीज तुम खा लो, पहले ही मैं और माँ बहुत शर्मिंदा है, अब भूखे रहकर हमें और शर्मिंदा ना करो। मैं अभी दादाजी को भी यही कहकर आ रहा हूं, मेरी माँ ने मुझे बताया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्या पता इसमें भी कोई अच्छी बात छुपी हो। शमा प्लीज खाना खा लो, क्योंकि अगर तुमने आज खाना नहीं खाया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। तुम इस बात को भूल सकती हो लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरे घर पे आकर तुम भूखी सोई। प्लीज जिस दिन आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ भी सोचा ना, उसी दिन आप अपने इस रुतबे को मिट्टी में मिला देंगे। क्योंकि अगर मेरी जुबान खुल गई ना मम्मी जी, तो ना ये इज्जत रहेगी और ना ये रुतबा। आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्या चाहती हूँ? एक मामूली से क्रॉकरी सेट के लिए आप इन मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत कर रही हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि ये मैंने जानबूझकर तोड़ा, और मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या चाहती हूँ। आखिर पल्लवी क्या चाहती है? क्या वो ये चाहती है कि शमा और चचा जान इस घर में ना रहे? जानबूझकर आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया? और वो त्रिभुवन, वो क्यों चाहता है कि मैं शमा और चचा जान को इस घर से निकाल बाहर करूं? क्यों? मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि ये किन लोगों की भीड़ बिठा रखी है तुमने घर में। उनसे तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं है दुर्गा देवी, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यही तुम्हारे लोग, ये भीड़ तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। बकवास बंद करो। ठीक, मैं बकवास नहीं करूँ, लेकिन तुम उन लोगों को घर से बाहर निकाल दो। आखिर उसे इस बात से एतराज क्यों है? पहले तो सिर्फ अकबर ही था जो नहीं चाहता था कि मैं इन्हें अपने घर में पना दूं, लेकिन अब त्रिभुवन का ये कहना शक पैदा करता है कि कहीं इसके पीछे भी अकबर का हाथ तो नहीं। शमा जलती है, पिघलती है, समाने के लिए। दादा जान,
कल जो आपने बताया था कि आपने अपने हाथों से वो वसीयत तैयार की थी, वो बात हमने अल्तमश को बता दी है। वो ये जानकर बेहद खुश हुआ है। उसने कहा है कि ये आपके हाथों से बनाई हुई वसीयत हमारी जीत की वजह बन सकती है। शमा, वो कागजात हमारे हाथ कैसे लगे? अकबर तो किसी को घर में घुसने दादा जान, क्या आपको ठीक तरह से याद है कि आपने वो वसीयत तिजोरी में रख छोड़ी थी? अच्छी तरह याद, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस वसीयत में भी मैंने ठीक नहीं लिखा। क्या है कि अपनी ईमानदारी में आकर मैंने अकबर, असगर, फरहत और तुम्हारे नाम उस वसीयत के बराबर बराबर हिस्से की बात लिखी थी। ठीक ही तो है दादा जान, आपने अपनी तरफ से कोई नाइंसाफी तो नहीं की? नाइंसाफी तो नहीं की शमा, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा एतबार करके मैंने दगा तो खा ली। अब मुझे पता चले कि अपना खून तो अपना होता है और गैरों का गैर होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक ही कह रहा हूं शमा, क्योंकि दगा अपने खून ने नहीं दी, असगर हमारा अपना खून है, तुम हमारा अपना खून, लेकिन अकबर हमारी औलाद नहीं। क्या आशा, पहले अपनी ईमानदारी की वजह से मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता कि मैंने अकबर को गोद लिया और अब उसी अकबर की वजह से मैं इतना शर्मिंदा हूं कि अब किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं। अगर अकबर चाचा जान आपके बेटे नहीं है तो फिर किसके बेटे हैं? बहुत लंबी कहानी है। दरअसल अकबर एक ऐसे इंसान का बेटा है जिसे अदालत ने सजा सुनाई थी, तो उस इंसान ने जेल में ही अपना दम तोड़ दिया। अकबर की माँ हमारे घर में काम किया करती थी, लेकिन अकबर को जन्म देने के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके कहने पर मैंने अकबर को गोद लिया था, ये सोचकर कि एक मुजरिम के बेटे को सही परवरिश देकर हम उसे अपनी तरह एक इंसान बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आखिर खून ने अपना रंग दिखा ही दिया। दुर्गा देवी जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? दरअसल आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी थी, अगर आप जा सकते हैं। जी। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको शमा और अब्बू जान से बेहद हमदर्दी, लेकिन दुर्गा देवी जी ऐसी हमदर्दी भी किस काम की जो आपको किसी मुसीबत में लाकर खड़ा कर दे? शायद आपको मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम, और अगर नहीं मालूम तो जाकर पता लगाइएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम दुर्गा देवी है और आज तक किसी भी मुसीबत से नहीं डरी हूँ और ना ही डरूंगी। वैसे डरना तो आप जैसे लोगों को है जो फरेब के दलदल में गले तक डूबे हुए हो। मेरी बात जाने दी, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि शमा और अब्बू जान को अपने घर में पनाह देकर आपने अपने कदम ऐसी राह की ओर बढ़ा दिए
यहाँ पर फिसलन बहुत है, और अगर आप एक बार फिसले तो न कोई आपको सहारा देने वाला होगा और न ही उठाने वाला। धमकियां? आप मुझे धमकियां दे रहे हैं? मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि दूसरों के बारे में ना सोचिए, लेकिन कम से कम अपने आप पर, खुद पर तो रहम कीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी और डर कर उन लोगों को मेरे घर से बाहर निकाल दूंगी, तो बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें अपने घर से नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैंने शमा से भी वादा किया है और अपने आप से भी यही वादा किया है कि उनके कदम मेरे घर से उसी दिन बाहर निकलेंगे जिस दिन उनका अपना घर होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? उनका अपना घर जिसे आपने धोखे से छीना है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने शमा को कोई वादा किया हो या अपने आप से, या तो वो वादा टूटेगा या फिर शमा और अब्बू जान आपके घर में जिंदगी भर रहेंगे और मैं उनको आपके घर में सुकून से रहने नहीं दूंगा। आपको जो कुछ भी करना है आप कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रहेंगे मेरे ही घर। और रही बात उन्हें बेघर करने की, तो आप अपने लिए एक आशियाना ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप उस घर से बेघर होने वाले हैं, बहुत ही जल्द उस घर से जिस पर आज आप कब्जा करके बैठे हैं। मम्मी जी शायद उस समय उसी आदमी से बात कर रही थी, पर हो सकता है ये नंबर उसी आदमी का हो। एक बार फोन करके देखती हूँ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? खूबसूरत आवाज की मलिका, फोन आपने किया है, आप बताइए किससे बात करना है? लगता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं दुर्गा देवी की बहू पल्लवी बोल रही हूँ। तुम एक बात बताओ, ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? ना तो मैं जानता हूँ कि कम से कम दुर्गा देवी तुम्हें ये नंबर नहीं दे सकती। हाँ, और मम्मी जी को ये मालूम भी नहीं है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे आपसे मिलना है। भाई क्यों? पुलिस के हवाले करने का इरादा है क्या? पुलिस के हवाले करना ही होता आपको तो पुलिस को सीधा आपका नंबर दे नहीं देती, यूँ मिलने के लिए बोलती क्यों? हाँ भाई, बात तो ये भी ठीक है, लेकिन ये तो पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ ना कि आप मिलना क्यों चाहते हैं? वो तो आपको मैं मिलके ही बताऊंगी। ठीक, लेकिन एक बात बताओ, जो कंगन तुमने मुझसे लिए वो दुर्गा देवी को तो दिए ही। अब भाई दुर्गा देवी वो कंगन मुझसे मांग रही, मेरे पास होते तो देता ना। मम्मी जी को तो मालूम भी नहीं है कि वो कंगन मेरे पास है। गोकुल गार्डन, ठीक 7 बजे चलिए, वही मुलाकात होगी। आ जाऊंगा ठीक 7 बजे पहुंच जाऊंगा। बाय। भैया हम तो खुद को अकेला समझ रहे थे, लेकिन अब इस शहर में मिलने वालों की बारात उमड़ रही है, पता नहीं फिर क्या। यार आइए मैम, ये बिल्कुल ठीक है, होश में भी है। लेटर आओ। मैम आपने बताया नहीं कि आप इन्हें जानते हैं? मैंने जब आपका नाम इन्हें बताया तो ये हैरान होकर पूछने लगे कि क्या डॉक्टर शमा ने मुझे बचाया है? डॉक्टर का पहला फर्ज होता है कि वो अपने मरीज की जान बचाए। ओके मैम, मैं आती हूँ। मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की और आपने मुझे बचाया, मुझे जिंदगी दी। खुदा की बनाई इस कायनात में हर तरह के लोग हैं और उनकी अलग अलग फितरत होती है,
तुम्हारा फर्ज है लोगों की जान लेना, तो हमारा फर्ज है लोगों की जान बचाना, उन्हें जिंदगी देना। अगर तुम अपना फर्ज नहीं भूल सकते तो हम अपना फर्ज कैसे भूलें? हमने तो सिर्फ एक डॉक्टर का फर्ज निभाया। आपका ये एहसान मैं कभी उतार नहीं सकूंगा। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे पुलिस के हवाले कर देता। हाँ, वो भी हमारा फर्ज है, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे, और ये भी नहीं कहेंगे कि तुम इस क्लिनिक में एडमिट हो। लेकिन तुम्हें इस हालत तक किसने पहुंचाया? उसी ने, जिसकी वजह से मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। क्या तुम्हारा मतलब है अकबर चचा जान ने? जी। शामा जलती है, पिघलती है आने के लिए। दादाजी, किसी भी तरह हमें उस वसीयत को हासिल करना है। वो वसीयत ही है जो सिर्फ हमें जीत दिला सकती है। अब सवाल ये उठता है कि वो वसीयत घर से निकाल कर हमारे लिए कौन लाए? इस बात को लेकर शमा भी उलझन में है। हम सब कुछ हार सकते हैं, लेकिन हम दोबारा उस घर में कदम नहीं रख सकते। हम दोबारा अकबर का चेहरा नहीं देखना चाहते। मैं जानता हूं दादाजी, और मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह उस घर में कदम रखें। आपको उस घर में जाना जरूर है, लेकिन अपने अधिकार के साथ। लेकिन हमें किसी ना किसी की मदद तो लेनी ही होगी। मदद अब किसको भेज सकते हैं? दादाजी, आपको मालूम है, आप और शमा जब घर छोड़कर गए थे, इसकी सबसे पहली खबर हमें किसने दी थी? कौन है जो माँ के पास प्रार्थना लेकर आया था कि जल्द से जल्द हम शमा और आपको ढूंढें? वो नेक इंसान शमा की चाची जी हैं। सुल्ताना? जी हाँ दादाजी, सिर्फ वही हैं जो ये काम कर सकते हैं, वही हैं जो उस घर से हमें वसीयत लाकर दे सकते हैं। अकबर जैसे भी हो, सुल्ताना तो बहुत नेक औरत है। वो अगर उस घर में रह रही हैं, तो शरीक हयात होने का फर्ज निभा रही हैं। दादाजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात करूं। हमारे ख्याल से ये बात टेलीफोन पर नहीं होनी चाहिए, सुल्ताना से मिलकर होनी चाहिए। ठीक है दादाजी, मैं उन्हें यहां पर बुला लेता हूं। आया क्यों नहीं अभी तक? तो आ जाना चाहिए था इसे। आप, मुझे तो लगा आप नहीं आएंगे और मैं जाने वाली थी। मैं तो यहीं था, आपको इंतजार करते हुए देख रहा था। क्या? क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ये जान लेना चाहता था कि कहीं आप दूसरे ही फिराक में तो नहीं है। कर छोड़िए, बताइए किसलिए मिलना चाहती थी आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ के साथ आपका रिश्ता क्या है। अरे यही पूछना था तो फोन पे पूछ लिया। ना मैं फोन पे बताता और ना यहाँ बताऊ। अरे इस तरह क्या देख रही? मैं तो मैं ये राज जानना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर, और मैं किसी कीमत पर बताना नहीं चाहता, क्योंकि पापी पेट का जो सवाल है वो तो तुमने सुना ही होगा कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। और सुनो, क्यों मेरे धंधे पर पानी फेरना चाहती? उस दिन भी पूछा था और आज यहां बुला ले। मैं इसलिए चला आया कोई खास बात होगी। खास बात क्या कोई खाक होगी? वही ढाक के तीन पात। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि रिश्ता तो कुछ खास ही है। मैं भी खास ही हूँ, लेकिन आप ये सब जानना क्यों चाहते? दो ही बातें हो सकती,
या तो अपनी सासू माँ को बहुत प्यार करती या बहुत नफरत। अब सच क्या है ये बता दो। ये जानकर आप क्या करोगे? शायद मैं तुम्हें बता दूं। एक बात याद रखना, मैंने अगर अपनी जुबान बंद कर रखी है तो सिर्फ पैसों के लिए, और अगर मैं ये जुबान खोलूंगा भी तो वो भी सिर्फ पैसों के लिए। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम हमारे और उसके बारे में जान ही गई हो तो अच्छी बहू की तरह अपनी जुबान बंद रखना। चलता इस रात से तो मैं पर्दा उठा कर रहूंगी कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है।